प्रदेश के राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल आज विशेष विमान के द्वारा दतिया हवाई पट्टी पर पहुंची। वहां से सड़क मार्ग द्वारा वो झांसी आई। यहां पर पहुंच बांध पर बनाई गई स्मृति वाटिका में उन्होंने हरिशंकर पौधा लगाया। ये पीपल बरगद पाकड़ तीन प्रकार के पौधों को एक साथ लगाने पर इसे हरिशंकर पौधा कहा जाता है। राज्यपाल ने इस अवसर पर सभी से वृक्षारोपण कर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की अपील भी की। इसके बाद उन्होंने पास में ही स्थित एक वृद्ध आश्रम में जाकर वहां रहने वाले निराश्रित वृद्धाजनों को कुछ उपहार भी भेंट किए। तदुपरांत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सड़क मार्ग द्वारा दतिया हवाई पट्टी पहुंची, जहां से उन्हें अपने गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय सांसद अनुराग शर्मा, तमाम जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी एवं प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। धीरे-धीरे कम होता गया, बच्चों ने संभाल लिया, लड़का का बहू ने संभाल लिया, हमारा काम कम हो गया। इस समय पास नहीं होता है, कहां जाए, किसको मिले। तो ऐसी स्थिति में ऐसा स्थान की आवश्यकता होती है कि जहां हम वहां जाए, वहां रहे और एक दूसरे को मिलते जुलते रहिए, अपनी बातें बताते रहिए। थोड़ा मोटा जो शक्ति के अनुसार काम करते रहिए। मैं जब इधर आती थी तो मैंने सोचा कि यदि आश्रम को कुछ जरूरत है तो हम लेके जाए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है। तो हमारे अधिकारियों ने मुझे एक लिस्ट भेज दिया और मैंने कहा कि भाई मैं स्वयं आऊंगी, आप खरीद लीजिए, बाजार में से राजभवन आपको मिल चुका देगा। तो मैं बधाई देती हूँ सभी अधिकारियों को कि आपने जो मांगा था ये सब आपको दे दिया है। यदि भविष्य में भी कोई आवश्यकता है तो राजभवन को जरूर याद कीजिए। इधर कोई लिखने वाला हो, कोई लिखने वाला हो, खास करके टीचर होता है ना, वो कभी कभी आते हैं तो हमारी बेटियां भी छोटी छोटी हैं, तो जरा हिस्ट्री लिखते जाइए, सबकी इतिहास लिखिए, कैसी स्थिति में आना पड़ा, इधर क्या क्या हो रहा है, आपको कैसा लगता है, क्या जरूरत है, आपने किसी को मदद की होगी तो इसमें उल्लेख हो। आप घर पर भी पत्र लिखते रहिए कि मैं इस सुख में हूँ, आप सुखी रहिए, आशीर्वाद देते रहिए, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, आप अपने बच्चों को आशीर्वाद देते रहिए, सुखी रहो आप सुखो। तो आज मुझे और कुछ नहीं कहना है, लेकिन परिवार में रहते हैं इससे भी ज्यादा अच्छी व्यवस्था यदि हमारे बुजुर्गों को मिलती है तो ये अच्छी बात है। और हमारा सबका दायित्व भी ये है कि हमारे पास कुछ ज्यादा है, ईश्वर ने ज्यादा दिया है, तो जो लोगों ने ईश्वर को कुछ कम दिया है वो उसको देना चाहिए, जिसकी वजह से उसका जीवन भी अच्छी तरह से प्रसार हो, अच्छी तरह से वो जी ले।